हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECSN पुर्तगाल T10 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके नए ग्रुप के मैच के बारे में, जो इस टूर्नामेंट का 21वां मैच होगा और आज के दिन का पहला मैच होगा। यह मैच खेला जाएगा रेंजर CC वर्सेज कोम्बिरा नाइट्स के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है, दो मैच होएंगे दोनों टीमों के बीच, एक 10 बजे स्टार्ट होएगा, दूसरा 12 बजे होएगा। तो दोनों ही मैचों में एक ही टीम है, ठीक है। डेट की बात करें 24 मई 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो एस्टूडियो म्यूनसिपल डी मिराडोडो कॉर्वे में मैच खेले जा रहा है, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो 100 से लेकर 110 का बनता है, ठीक है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ग्रुप ए के मैच हुए थे टोटल मिला के 20, जिसमें से 11 मैच जीते थे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 9 मैच जीते थे बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है बैटिंग फर्स्ट या सेकंड के, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको दोनों टीमों के, नया मैच है तो दोनों टीमों के प्लेयरों के बारे में सही से जानकारी हो जाए कि कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्लेयर अपने को लेना है, ठीक है। पहली टीम है कोम्बिरा नाइट्स, उनको ज़्यादातर प्लेयरों के स्टेट्स तो मिल गए, 3-4 प्लेयर के बाकी है खाली, तो अवेलेबल नहीं है उनके, ठीक है। लेकिन जो दूसरी टीम है उनके सिर्फ 7-8 प्लेयरों का स्टेट्स मिला है जिन्होंने T10 खेला है, बाकियों के पास अनुभव नहीं है और क्रिकेट ज़्यादा खेला भी नहीं है, ठीक है, इसलिए उनके स्टेट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन जिनके भी अवेलेबल है वो बहुत है, क्योंकि 11 ही खिलाड़ी खेलते हैं टीम में, प्लेइंग 11 में, अपनी ड्रीम 11 टीम में, तो अपने को 11 ही चूज़ करने हैं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि दोनों टीमों के बारे में आपको सही से जानकारी हो जाए। पहली टीम की बात करते हैं कोम्बिरा नाइट्स की, जिसका पहला प्लेयर है रवि कुमार, जिसने T10 के 18 मैच में 22 की एवरेज से 321 रन बनाए और 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा खेलेगा तो, साथ के साथ टीम भी बनाते हुए चलेंगे ताकि आपको कॉम्बिनेशन के बारे में भी समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ से अपन ये मैच है, ये देखो RGC वर्सेस सीक है, ठीक है। मैच की टाइमिंग 10 बजे थी और पहले अपन कोम्बिरा नाइट्स के प्लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला प्लेयर है रवि कुमार, जिसका सलेक्शन आप देख सकते हो 95% इसका सलेक्शन है और प्लेयर बहुत शानदार, अच्छी खासी बल्लेबाजी करता है। उसके बाद है रविंदर सिंह, जिसने T10 के 8 मैच में 148 रन बनाए, 24 की एवरेज से 12 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिया, यानी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकता है और बैटिंग बढ़िया करता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा। सलेक्शन देखे रविंदर सिंह का तो सलेक्शन देखने को मिलेगा अपने को, रविंदर सिंह का सलेक्शन है लगभग 93% और एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर है, आप इसको जरा सा भी इग्नोर मत करना, ठीक है। एक बार देख लेते रविंदर सिंह के नाम है, ठीक है। इसके बाद है सतविंदर सिंह, 8 T10 के मैच में 95 रन बनाए, 23 की एवरेज से 8 ओवर की गेंदबाजी करवा के 4 विकेट लिए, तो बॉलिंग पार्ट टाइम के तौर पर करवाता है, अगर बैटिंग पोजीशन ऊपर आता है तो ही अपन इसको ट्राई करेंगे। सलेक्शन की बात करें सतविंदर सिंह का सलेक्शन मात्र 8% है, ठीक है। इसके बाद है वालिद इजाज, जिसने 5 T10 के मैच में मात्र 1 रन बनाया, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है T10 का, इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। सलेक्शन भी देखे वालिद इजाज का तो सलेक्शन मात्र इसका है 0.31%, प्लेयर कुछ खास नहीं है इसलिए ट्राई नहीं करना है। उसके बाद है राजवीर सिंह, 2 T10 के मैच में 7 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए, तो इसका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इसलिए अपन इस प्लेयर को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। सलेक्शन की बात करें सलेक्शन भी आपके सामने मात्र 2% है, ठीक है। इसके बाद है मनजीत सिंह, जिसने 9 मैच में 321 रन बनाए, 9 की एवरेज से 37 ओवर की गेंदबाजी करी, 18 विकेट लिया, यानी एक्सपीरियंस है इस प्लेयर के बाद और आज के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, ठीक है। सलेक्शन की बात करें सलेक्शन है 36%, अपन इसको सेलेक्ट जरूर करेंगे लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद है बिचतर सिंह, जिसने 2 मैच में 1 रन बनाया, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए। इसके बाद है जगदीप सिंह, 13 मैच में इसने 44 रन बनाए, 20 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए, अभी तक इसको विकेट नहीं मिले, बॉलिंग इसने अच्छी खासी करवाई है, ठीक है, इसलिए आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो लेकिन बॉलिंग आपको जरूर करा के देगा, ठीक है। सलेक्शन की बात करें सलेक्शन मात्र 2% है। इसके बाद है लवप्रीत सिंह, जिसने 45 मैच में 244 रन बनाए, 10 की एवरेज से 3 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए, तो बैटिंग ठीक ठाक कर सकता है लेकिन बैटिंग पोजीशन के ऊपर निर्भर रहेगा कि इसका बैटिंग पोजीशन क्या क्या आता है, ठीक है। सलेक्शन देखो तो सलेक्शन है 56%, लेकिन इसको जब भी ट्राई करेंगे जब इसका बैटिंग पोजीशन ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद है गुरजिंदर सिंह, जिसने 11 T10 के मैच में 17 रन बनाए, 15 ओवर की गेंदबाजी करी, 6 विकेट लिए, खेलेगा तो आपको बॉलिंग करवा के दे सकता है। सलेक्शन देखोगे सलेक्शन है इसका 92% और एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है रोहित कुमार, 14 T10 के मैच में 78 रन बनाए, 15 ओवर की गेंदबाजी करिए, 9 विकेट लिए, बॉलिंग कंफर्म 2 ओवरों की नहीं करवाता, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे। सलेक्शन भी आप देख सकते हो रोहित कुमार का सलेक्शन है 17%, ठीक है। इसके बाद है हरविंदर सिंह,
जिसने 9 मैच में 14 रन बनाए, 3 ओवर की गेंदबाजी करी, 4 विकेट लिए T10 में। तो कुछ खास बॉलिंग नहीं करवाई है इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। सिलेक्शन भी देखें तो 1% है, ठीक है। इसके अलावा कोई खास प्लेयर बचा नहीं है, एक है लवप्रीत सिंह, तो इसको अपन फिलहाल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टीम की। बात करने से पहले जो बाकी के प्लेयर हैं इनके रिकॉर्ड कहीं भी अवेलेबल नहीं, 4 प्लेयर हैं इनके रिकॉर्ड कहीं भी हमको मिले नहीं, ठीक है। तो अगर खेलेंगे तो उनके स्टैट्स कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे कि क्या नाम है, अपन सेलेक्ट इनको बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही करेंगे फिर जो प्लेयर इनमें से खेलेंगे तो, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टीम रेंजर सीसी की, जिनके 7-8 प्लेयरों के रिकॉर्ड T10 के अवेलेबल है। पहला प्लेयर है फारूक अहमद, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है और अनुभवी प्लेयर है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का जबरदस्त चॉइस है, ठीक है। इसका सलेक्शन भी देखे, फारूक अहमद का सलेक्शन है 96%। रिकॉर्ड की बात करें, 61 मैच में 1468 रन बनाए, 30 की एवरेज से 38 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 16 विकेट लिए। बॉलिंग पार्ट टाइम के तौर पर करवाता है लेकिन बैटिंग अच्छी कर सकता है, और सामने थोड़ी वीक टीम है, ठीक है, इसलिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे अपन। उसके बाद है उदयदुर रहमान, जिसने 28 T10 के मैच में 77 रन बनाए, 6 ओवरों की गेंदबाजी करी है, 2 विकेट लिए, यानी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं करी है और बॉलिंग भी बहुत कम करवाई है, और सलेक्शन देखोगे तो 46% इसका सलेक्शन है। उसके बाद है सदैदुर रहमान, 86 मैच में 267 रन बनाए, 120 ओवर की गेंदबाजी करवा के 56 विकेट लिए, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है, ठीक है। और सिलेक्शन भी देखे सदैदुर रहमान का, तो सिलेक्शन है मात्र 2%, लेकिन आपको कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा। उसके बाद है सौफी अहमद, जिसने 9 T10 के मैच में मात्र 39 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए, यानी बॉलिंग तो करवाता ही नहीं और बैटिंग पोजीशन के ऊपर इसका डिपेंड रहेगा। सिलेक्शन भी देखा तो मात्र 2% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है जाहिद हसन, जिसने 31 T10 के मैच में 11 की एवरेज से 208 रन बनाए, 7 ओवर की गेंदबाजी करी, 5 विकेट लिए, यानी इस प्लेयर का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है इसलिए अपन इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है मोहम्मद अजाद मान, जिसने 41 T10 के मैच में 657 रन बनाए, 18 की एवरेज से 44 ओवर की गेंदबाजी करवा के 17 विकेट लिए, तो यह भी एक कैप्टन वाइस कैप्टनसी का अच्छा चॉइस है। सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन है इसका 52%, लेकिन आज के मैच में अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है। उसके बाद है महिंदी अल महमूद, 21 T10 के मैच में 74 रन बनाए, 27 ओवर की गेंदबाजी करवा के 14 विकेट लिए, तो खेलेगा तो आपको बॉलिंग करवा के दे सकता है। सिलेक्शन की बात करें महिंदी अल महमूद का, तो सिलेक्शन है 87%, आपके लिए एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है मिर्जा नुमान, जिसने 2 ODI के मैच खेले, 11 रन बनाए, 5 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए। उसके बाद है सियाहराय माही, जिसने 8 ओवरऑल के मैच में 64 रन बनाए, 18 ओवर की गेंदबाजी करी, 6 विकेट लिए, तो ये एक प्लेयर आपके लिए काम आ सकता है इस टीम की तरफ से। सिलेक्शन की बात करें सियार माही की, तो सिलेक्शन देखने को मिलेगा अपने को मात्र 0%, लेकिन एक अच्छा प्लेयर साबित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है महफूज खान, जिसने 3 ओवरऑल के मैच में मात्र 13 रन बनाए, 4 ओवर की गेंदबाजी करी, 1 विकेट लिया, तो इसका कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, और सिलेक्शन देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन से 66% इसका सिलेक्शन है, ठीक है। इनके अलावा जो बाकी के जितने भी प्लेयर बचे, स्क्वाड बड़ा है, उनका स्टैट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, हमने पूरा छान मारा है, इनके स्टैट्स कहीं भी अवेलेबल नहीं। जो भी आपको कहीं मिलेंगे या कोई वीडियो में दिखाएगा तो वो बिल्कुल गलत स्टैट होंगे, क्योंकि आप इनों की एज से भी अंदाजा लगा सकते हो कि सबकी एज 17-18 साल है, ज़्यादा क्रिकेट खेला ही नहीं है किसी भी प्लेयर ने, ठीक है। तो जिनों के प्लेयर स्टैट्स अवेलेबल थे वो हमने प्रोवाइड करवा दिए, और अगर खेलेंगे तो अपन इनका सलेक्शन बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है सभी को सेलेक्ट कर लिया है। कैप्टनसी के फारूक अहमद एक अच्छा ऑप्शन है, वाइस कैप्टन यहाँ से अपन बनाएंगे रवि कुमार को या रविंद्र सिंह को, ठीक है। या डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए, ठीक है। और इस मैच में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि स्टैट्स अवेलेबल नहीं है प्लेयरों का, तो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से ही हम टीम बनाएंगे, तो टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो बैटिंग ऑर्डर आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, प्लेइंग 11 मिलेगी, साथ ही कुछ प्लेयर जो खेलने जैसे दिखेंगे, जिनके स्टैट्स मिलेंगे, जिनका नाम होगा, जिनके स्टैट्स अभी अवेलेबल नहीं है, उनके कोशिश करेंगे कि मिल जावे, ठीक है। लेकिन फाइनल टीम अपन बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से बनाएंगे, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।